गाइस मैंने अपनी ओके हेयर स्टाइल चेंज कर ली है। माशाल्लाह गाइस यार सेफ साइड पे जूते रखे जा रहे हैं। तो गाइज हल्दी तो हो गई है खत्म और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ बारात में जाने के लिए। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने स्मोकी आई किया, आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ मैं इस स्मोकी आई में। पता नहीं, भूत चुड़ैल तो नहीं लग रही हूँ, चुड़ैल लग रही है तो लिख देना कि तू चुड़ैल लग रही है भाई। तो चलो अभी फिलहाल हम पापा ने पिज्जा और फ्राइज भिजवा दी हम लोगों के लिए खाने के लिए, तो चलो पहले वो ठूसते हैं, उसके बाद लिपस्टिक लगाऊंगी फिर रेडी। 8 बजे तक अभी पहुंचना है पर अभी 7:30 हो चुके हैं। कोई नहीं, शादी में तो 9 बजे तक भी पहुंचे तो चलता है, पहले ठूसते हैं फिर कुछ करते हैं। मैं भी वहां पे मेकअप वाली वीडियो शूट कर रही थी, मेकअप ट्यूटोरियल की, जो कि मेरी इंस्टाग्राम पे आएगी। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे तो जाकर जल्दी से फॉलो करो, अली महजबीन 42। और ये रहा पिज्जा, भी दिखाती हूँ। ऑलरेडी ठूसना शुरू कर दिया है स्मोटी ने, बहुत भूखी थी ये। और ये है फ्राइज। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने चोटी बांधी, मैंने बाल खुले नहीं रखे क्योंकि मेरी मेरे जो बालों की हालत है ना वो थोड़ी ठीक नहीं है, अजीब से बाल हो रहे हैं और मुझे स्ट्रेट करने का मन नहीं था, तो जैसे बाल थे इसलिए मैंने चोटी बांध ली। खुले बालों में अजीब सा लग रहा था और स्ट्रेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो हम निकलते हैं। समीन बिल्कुल रेडी है क्योंकि इसके लिए मैं हूँ, इसकी हेयर स्टाइल बनाने के लिए। अच्छा जी, पर ये मैंने बना लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आउटफिट, ये है मेरा आउटफिट। तो गाइज मैं हील वील पहन के बिल्कुल रेडी हूँ और हम यहाँ से निकलते हैं। हर कोई रेडी है, अम्मी रेडी, सब कोई रेडी। तो वैसे इस वाले रूम में टीवी लग गया है नया अम्मी के लिए, चूड़ी मस्त। समरीन अपना आउटफिट दिखाओ, देखो कितना एटीट्यूड है इसके अंदर, क्या देख रही है ये। गाइज मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली है, मुझे ऐसी हेयर स्टाइल कर ली थी पर इस बेवकूफ कधी औरत को ऐसा कर्ल करना नहीं लेकिन आता। मुझे पता है मेरा ना बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, सिंपल ही अच्छा लग रहा है, सबका सिंपल सूट है। नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है। अब गाइज आप लोग ही हाइप करो मुझे कि हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। चलो भाई लेट हो रहा है क्या? शादी में तो इतना ही लेट होता भाई, 8 बजे ही निकलते हैं शादी में। तो गाइस कार आ चुकी है, अब चलते हैं अंदर। ये तो पहले सबसे पहले इसको ही घुसना होता है। गाइस हम एंट्री ले चुके हैं, सब लोग किधर है, कहीं हम लोग इधर भटक ना जाए, कोई दिख ही नहीं रहा मुझे तो। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम फटाफट जा रहे हैं पहले नशरा से मिल लेते हैं, देखते हैं कैसी लग रही है, कैसी दिख रही है। अच्छी दिख रही होगी भाई, बड़ा शोर हो रहा है, ठंड लग रही है अचानक से। मेकअप हमने खुद किया, कितनी देर में? आधे घंटे में गाइस। समरीन के फैंस देख लो जरा कितने सारे हैं। तो अभी चलते हैं हम खाना खाने सीधा। तो गाइस अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, देखते हैं खाने में क्या क्या है। और यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी नशरा की और अब वो जा रही थी बैठने अपनी जगह पे जहाँ पे सारी दुल्हन और दूल्हे बैठते हैं और जहाँ से सारी ऑडियंस उनको देखती है। तो गाइस यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं। तो गाइस हमने खाना पीना खा लिया है, मस्त खाना खाओ, टेस्टी खाना, लजीज खाना। चिकन फ्राई सबसे ज्यादा अच्छा था, ऐसा चिकन फ्राई कभी नहीं है, टेस्टी था, मसाला अलग था, सब अलग सॉफ्ट सॉफ्ट भी था। गाइस समरीन को तो यहाँ पे खाया जा रहा है, किया जा रहा है, इसके फैंस इतने सारे हैं ना, पर मुझे मजा आ रहा है। जैसे कुछ लेने आते हैं फोटो, पर ये भी अच्छा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें पेट भर रहा था, तो मुझे भूख लग रही है। ब्लॉग भी ले लो इनको। हेलो हाय, क्या नाम है आपका? मुबशरा। बोलना चाहोगे आप कि आपको मिलके कैसा लगा? इनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है और इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आप इन्हें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू गाइस, कर देना अभी ये। हाँ गाइस ये करने क्या गए हैं यहाँ पे? और यहाँ पे हो रही थी कुछ रस्में खाना, और यहाँ पे हो रही थी कुछ रस्में जो कि मिठाई खिलाई जा रही थी, और उसी के साथ एक और रस्म शुरू हो चुकी थी जो थी जूते छुपाई की। तो यहाँ पे सब लोग तैयारी कर रहे थे और देखो कैसे जूते भी जल्दी जल्दी से निकाले और सब फटाफट भाग रहे थे रफू चक्कर, देखते हैं कि जूते छुपाई के बदले मिलता क्या है। गाइस यार सेफ साइड पे जूते रखे जा रहे हैं। गाइस जूता चुराई तो हो गई है, अब देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं, या फिर पकड़े जाते सब लोग। बड़ी आसानी से हो गया, हमें तो लगा कि कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, तो
जल्दी से हो गया। हाँ, आसानी से खींच लिए जूते। अभी कुछ दिनों पहले नशा के साथ मैं गई थी स्ट्रेंजर वेडिंग में और आज मैं उसकी वेडिंग में आई हूँ। अजीब लग रहा है मुझे बहुत, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि अब हम बहुत कम मिलेंगे, मतलब कम तो ऐसे ही मिलते थे पर अब बहुत ही जैसे जब मन करा तब नहीं मिल पाएंगे, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मेरी तो एक ही फ्रेंड थी यार गर्ल में। गाइज यहाँ पे दूल्हे के साथ प्रैंक किया जा रहा था, जैसा कि जूते छुपाई की रस्म हो चुकी थी, इसके बाद इन लोगों ने प्रैंक करके डब्बे पे डब्बा करके उसके अंदर से देखो क्या निकला, एक छोटा सा जूता। भाई क्या मजे वाला प्रैंक था। दोनों चुरा लिए लोग, एक चुराते हैं, दोनों चुरा लिए, एक चुराते हैं नहीं दोनों चुराते ना, दोनों चुराते हैं नहीं, कहीं कहीं मैंने देखा एक भी चुराते हैं। मैंने फिल्मों में तो दो ही देखा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कभी, तो एक पहन के चल जाएंगे। दूल्हे का चेक लेके आते हैं। लास्ट टाइम तो बहुत मस्ती करी थी, पैसे मिल गए। और यहाँ हमें मिल रहे थे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स जिनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस हम मीटअप तो नहीं कर पाते लेकिन हम ऐसी छोटी छोटी जगह पे या फिर शादियों में जाकर हमारा छोटा सा मीटअप हो जाता है जिसमें हमें बहुत मजा आता है सबसे मिलके। गाइस अब यहाँ पे हो चुकी है पार्टी शार्टी खत्म, ये क्या निकल रहा है भाई, मेरे बाल निकल रहे भाई यहाँ से। तो खाना वाना हो गया, रसम हो गई यहाँ की बहुत सारी, अभी तो बहुत सारी बची है, रुखसत ही नहीं हुई अभी, पर हमें लेट हो जाएगा घर जाने में, तो इसलिए हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलो, और यहाँ रुखसती का टाइम शुरू हो गया था और बहुत ही ज़्यादा सब लोग इमोशनल हो गए थे, मतलब हर कोई बंदा रो रहा था, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मैं बस यही सोच रही थी कि भाई जिसकी जिस रुखसती हो रही है उसको अंदर में कैसा फील हो रहा होगा वो उसको ही पता है। अपने घर से किसी और के घर जाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गई थी, बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था कि ना कुछ बोलो ना कुछ टोको, बिल्कुल ऐसी हो गई थी मैं, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। गाइस थकान हो गई यार, जबकि कुछ किया नहीं, बड़ा दूर था। और सोचो जिनकी शादी की मूवी, भाई सच में बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया लास्ट में, सच में रोना आ रहा था सबको। मैं मुश्किल था वो टाइम बहुत ज्यादा, सब मैं तो देख के मुझे बुरा लगा था। हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है यार, जिनकी होती उन्हीं को पता चलता है, मेरे से तो देखा ही नहीं पूरा। ये जो गंदगी मचाई हम लोगों ने जाने से पहले, इसका क्या करें। तो गाइस चलो जल्दी से अनरेडी होते हैं और रिलैक्स मोड पे आते हैं, और इसकी वीडियो एडिट करनी है। मोटी भैंस खुद मजे करेगी। इसका लुक मैंने अच्छे से करा, मैंने अपने बाल में जेल लगा लिया लेकिन मुझे लगता है ये चल जाएगा, अभी अच्छे से इसको निकाल दूंगी वाइप से तो फिर धुलना नहीं पड़ेगा मुझे। अब लोग बताना मुझे मेरा आई मेकअप कैसा है। तो चलो गाइज अब मैं मिलती हूँ बाद में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, बस खत्म अब कहानी। और नशा के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट दुआएं करना कि वो खुश रहे हमेशा। हाँ देखते हैं वो सारे कमेंट्स पढ़ेगी आप लोगों के। चलो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।